शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। सुल्तान महमूद गजनवी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत, हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं। इन हमलों के बारे में बताने से पहले मैं आपको इन हमलों की बुनियादी वजह बताना चाहूँगा। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके लाहौर से पिशावर तक का इलाका एक हिंदू राजा जयपाल के जेरे सल्तनत था। जयपाल और सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सप्तगीन की एक जंग पिशावर और जलाल आबाद के इलाकों में 986 में हुई थी, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और सप्तगीन की सल्तनत दरियाए सिंध के साथ अटक तक फैल गई थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने हुकूमत संभालते ही पिशावर तक के इलाकों में छोटी छोटी मुहिमात करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया, तो राजा जयपाल, जो कि पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने को बेताब था, उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। 1001 में पिशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की फौजों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हो गया। मजाकरात और एक भारी तावान के एवज रिहाई के बाद जयपाल वापस लाहौर आया। चूंकि लड़ाई से पहले जयपाल अपने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर गया था, इसलिए शिकस्त के बाद निहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत अपने बेटे आनंदपाल के हवाले करके खुद लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और जलकर मर गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा हमला, जो कि 1004 को हुआ, भंडा या भेरा, जो कि दरियाए सतलुज के करीबी इलाकों पर मुश्तमिल रियासत पर किया, जिसका राजा बजी राव था। तीसरा हमला मुल्तान के हाकिम अबू अल फतह के खिलाफ 1006 में किया, लेकिन रास्ते में ही दरियाए सिंध के किनारे जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ मुठभेड़ हो गई। सख्त जंग के बाद आनंदपाल को शिकस्त हुई और बाज रिवायात के मुताबिक वो कश्मीर पनाह लेने के लिए भाग गया। आनंदपाल को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने मुल्तान का रुख किया और मुल्तान को फतह करने के बाद कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने मुल्तान का हाकिम जयपाल के पोते सिख पाल को मुकर्रर किया, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। जल्द ही सुल्तान महमूद को फिर मुल्तान जाना पड़ा, जहां पर सिख पाल ने बगावत कर दी थी। 1008 ईस्वी में सुल्तान ने सिख पाल पर हमला किया और उसको शिकस्त दे दी। इसी दौरान आनंदपाल, जो कि शिकस्त खाकर कश्मीर भाग गया था, उसने वापस आकर एक बार फिर सुल्तान महमूद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसके साथ ही आनंदपाल ने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा कर लिया। 1008 के आखिरी दिनों में एक बार फिर दरियाए सिंध के करीब अटक के इलाके में जंग का आगाज हुआ। खूनरेज जंग के बाद आनंदपाल को एक बार फिर शिकस्त हुई। 1009 के आखिरी महीनों में एक बार फिर सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर हमला करके पहले नारायणपुर की रियासत को फतह किया और फिर 1010 में मुल्तान के गिर्दो नवाह के इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। 1014 में सुल्तान महमूद ने आनंदपाल के बेटे लौजनपाल को मौजूदा कोहिस्तान के इलाके में शिकस्त दी और मजीद लौजनपाल की मदद के लिए कश्मीर से आए हुए एक बड़े लश्कर को भी शिकस्त फाश से दोचार किया। 1015 में सुल्तान महमूद ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने पर बगैर जंग के ही वापस आना पड़ा। 1018 में सुल्तान महमूद ने पहली बार पंजाब के पार दरियाए जमुना के इलाके में अपनी फौज को उतारा और हिंदुओं के मजहबी मुकाम मथुरा को फतह करने के बाद एक मशहूर रियासत कनूज का मुहासरा किया। कनूज के राजे ने सुल्तान से सुलह का पैगाम भेजा, जिसे सुल्तान ने कबूल कर लिया। 1019 में कनूज की मुल्हिका रियासत कालनजर के राजा गंडा ने कनूज पर हमला करके राजा को कत्ल कर दिया। इसकी खबर जब सुल्तान महमूद तक पहुंची तो वह अपने मती राजे के कत्ल का बदला लेने के लिए निकला
और कालनजर पर हमला करके उसे शिकस्ते फाश से दोचार किया। राजा लोजनपाल और राजा गंडा, जो कि सुल्तान महमूद से शिकस्त खुर्दा थे, दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक बड़े हमले की तैयारी की और एक बार फिर 1019 में ही सुल्तान को दोबारा उन दोनों की सरकोबी के लिए हिंदुस्तान का सफर करना पड़ा। नतीजतन दोनों राजाओं को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान से हिंदू शाही राजा का खात्मा हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी 1020 से 1025 के दरमियानी अरसे में सल्तनत के शुमाली मगरबी हिस्से और दरियाए फिरात की वादियों में फतुहात में मशगूल रहा। इसी अरसा में सुल्तान महमूद को अपने मुखबिरों से ये इत्तलात मतवातर मिल रही थी कि शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही हैं और अब के बार एक मुश्तरका हमला की तैयारी है। इसलिए गुजरात के इलाके काठियावाड़ में एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज बनाया गया है। सोमनाथ समंदर के किनारे एक अजीमुशान मंदिर था, जिसे पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के दरमियान एक मरकजी हैसियत हासिल थी। अक्टूबर 1025 में सुल्तान की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मुसाफत के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूलो अरज से महाराजे और राजवाड़े अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतायाब हुआ। सुल्तान महमूद ने मंदिर को तोड़ डाला। सोमनाथ के बाद दरियाए सिंध और दरियाए बयास के दरमियानी इलाकों में आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी रहे, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी मुहिम 1029 में ईरानी इलाके रै में अंजाम दी और रै के हाकिम आले बोया को शिकस्त दी। और फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने 1030 में 59 साल की उम्र में गजनी में वफात पाई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सुल्तान महमूद गजनवी के अजीम कारनामे आज भी तारीख के सुनहरी अवराक में दर्ज हैं। अल्लाह सुल्तान महमूद गजनवी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और हमें भी ऐसे अजीम सिपा सालारों से नवासे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।